आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन को, ठीक है? रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है? रिफ्लेक्स एक्शन वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व बाई मार्शल हॉल, ठीक है? ये फर्स्ट पॉइंट होगा, मार्शल हॉल, ठीक है? ये फर्स्ट टाइम रिफ्लेक्स एक्शन को ऑब्जर्व किया है, रिफ्लेक्स एक्शन को ऑब्जर्व किया है, ठीक है? देन सेकेंड जो पॉइंट है, रिफ्लेक्स एक्शन की फीचर्स को लेकर है. रिफ्लेक्स एक्शन आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. देन सेकेंड है आपका ऑटोनॉमिक प्रोसेस. ऑटोनॉमिक मीन्स विदाउट कॉन्शियस इफेक्ट, ठीक है? विदाउट कॉन्शियस इफेक्ट, ठीक है? कॉन्शियस इफेक्ट, ठीक है? एफर्ट या इफेक्ट बोल सकते हैं हम इसको. ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है. ये क्या है? इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज, ठीक है? और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट फीचर है, ये फास्टर एक्शन करता है देन, फास्टर देन नॉर्मल एक्शन, ठीक है? फास्टर देन नॉर्मल एक्शन. ये कुछ बेसिक पॉइंट है और इसी बेसिक पॉइंट पे हम रिफ्लेक्स एक्शन को रीड करेंगे, ठीक है? मैंने आपको बताया कि रिफ्लेक्स एक्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ऑटोनॉमिक है, विद ऑटोनॉमिक मीन्स की विदाउट कॉन्शियस एफर्ट, ठीक है? देन ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज है और ये नॉर्मल एक्शन से फास्ट होता है, ठीक है? जैसे कि हमको कोई, अगर हमारे इस बॉडी पे कोई हॉट प्लेट अगर कोई लगा दे, तो हम क्या करते हैं? तुरंत उस पार्ट को हम वहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है? सपोज दैट ये हमारा स्किन है, ठीक है? ये पाम का मेरा स्किन है, तो यहाँ पे अगर कोई गर्म चीज़ आ जाएगी, ठीक है, तो क्या करेंगे हम? इसको इमीडिएट हटा लेंगे, ठीक है? तो ये जो प्रोसेस होगा, ये स्पॉन्टेनियस होगा, ऑटोनॉमिक होगा, इनवॉलेंट्री होगा. इस पर कोई कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही हम लोग का हाथ जलेगा, हम इमीडिएट बिना सोचे हम हाथ को हटा लेंगे, ठीक है? और ये फास्टर प्रोसेस होगा. तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है और इसी बेसिक पॉइंट पे एनसीईआरटी ने भी डिस्कशन किया है. देखो आप, एनसीईआरटी ने क्या बताया है, आप देखो. एनसीईआरटी ने बताया, यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस अ सडन विड्रॉल ऑफ बॉडी पार्ट विच कम इन कॉन्टैक्ट विद ऑब्जेक्ट दैट आर एक्सट्रीमली हार्ड, कोल्ड, पॉइंटेड आर एनिमल दैट आर स्केरी आर पॉइजनस, ठीक है? जब भी आपके बॉडी का कोई भी पार्ट, बॉडी पार्ट किसी ऑब्जेक्ट से, कुछ स्ट्रेसफुल ऑब्जेक्ट से अगर टच करेगा, तो आपका बॉडी जो है स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, रिस्पॉन्स करेगा और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज से रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है? वॉलेंट्री एक्टिविटीज से नहीं रिस्पॉन्स करेगा, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज से ये रिस्पॉन्स करेगा. आगे आप देखिए, द इंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू अ पेरिफेरल नर्वस स्टिमुलेशन, ठीक है? जो भी ये प्रोसेस होगा, इसमें कौन इन्वॉल्व होगा? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होगा और ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज होता है. ये कैसा होता है? इनवॉलेंट्री एक्टिविटी होता है, विदाउट कॉन्शियस एफर्ट और थॉट, एंड रिक्वायर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है? मेनली जो है इसमें जो स्टिमुलेशन का काम करेगा वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम करेगा, बट बीच में सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी रोल है, ठीक है? मैं अभी आपको बताऊंगा कि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड एज वेल एज ब्रेन दोनों का यूज हो सकता है रिफ्लेक्स एक्शन में, ठीक है? आगे मैं बताने वाला हूँ, ठीक है? तो ये आप मत सोचना कि यहाँ पे CNS इन्वॉल्व नहीं होगा. यहाँ पे CNS इन्वॉल्व होगा, बट जो वर्क होगा वो इनवॉलेंट्री होगा, ठीक है? आप देखो यहाँ पे, एंड रिक्वायर द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पार्ट ऑफ द CNS इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है? रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेज एट लीस्ट वन एफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है, एंड वन इफरेंट न्यूरॉन्स, ठीक है, अप्रोप्रिएटली अरेंज्ड इन अ सीरीज, ठीक है? ये जो एफरेंट न्यूरॉन्स हैं या इफरेंट न्यूरॉन्स हैं, ये जो है अरेंज होते हैं सीरीज के फॉर्म में, ठीक है? मतलब कि जो भी इस रिफ्लेक्स एक्शन का पाथवे होता है, उस पाथवे में जो जो न्यूरॉन्स पर्टिकुलर फंक्शन के लिए इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है.
आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ये जो आपका मसल्स है ठीक है, यहाँ पे एक हैमर से, एक स्मॉल हैमर से यहाँ पे इसको हम स्ट्राइक कर रहे हैं, और वो जो स्ट्राइक है हैमर से वो एक स्टिमुलस है, इज अ काइंड ऑफ स्टिमुलस। और वो जो स्टिमुलस है उस स्टिमुलस को रिसीव किसने किया, मसल स्पिंडल ने किया, जो एक्ट कर रहा है रिसेप्टर की तरह। और ये जो है एफरेंट न्यूरॉन्स के थ्रू कहाँ पे जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में जा रहा है। और किस रूट से जा रहा है, डॉर्सल रूट गैंगलिया के रूट से जा रहा है ठीक है। और वहाँ जाने पे क्या हो रहा है, वहाँ पे इमीडिएट उसका सल्यूशन निकल रहा है। और सल्यूशन क्या होता है कि आप जल्दी से इस जो लिम्स को आप हटा लो यहाँ से ठीक है ना। और हटाने के लिए आपको इफरेंट न्यूरॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है, इफरेंट न्यूरॉन्स इफरेंट पाथवे से होके जाते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, और फिर वो रिस्पॉन्स करने के लिए हेल्प करते हैं ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड का रोल है ठीक है, बट ये इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ है। और आप समझ सकते हो जैसे कि आप कभी प्रेस करते हैं कपड़े को ठीक है, अपने क्लॉथ को जब प्रेस करते हैं आप ठीक है, तो आपको कभी कभी क्या होता है कि प्रेस से आपके स्किन टच कर जाती है, तो आप क्या करते हैं अपने हैंड्स को इमीडिएट आप हटा लेते हैं, इमीडिएट हटा लेते हैं। तो जब टच करता है ठीक है, टच करने के बाद जो उस हीट को जो फील करता है या रिकॉग्नाइज करता है या रिसीव करता है, और रिसीव करने में जो न्यूरॉन्स यूज़ होते हैं वो एफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं, बट जब रिस्पॉन्स करना होता है तो इफरेंट न्यूरॉन्स की ज़रूरत होती है या रिक्वायरमेंट होती है ठीक है। एक और तरीका है कि जब एफरेंट बोलेंगे तो आपको समझना है सेंसरी न्यूरॉन्स ठीक है, और जब रिस्पॉन्स करना होगा तो वहां पे आपको क्या बताना होगा, मोटर न्यूरॉन्स, क्या बताना होगा आपको, मोटर न्यूरॉन्स ठीक है। तो एक बार फिर से हम एनसीईआरटी की लाइन पे आते हैं ठीक है। ये पाथवे है, ध्यान देना होगा ये पाथवे, और पाथवे का यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। द रिफ्लेक्स पाथवे कंप्राइजेज एट लीस्ट वन एफरेंट न्यूरॉन्स एंड वन इफरेंट न्यूरॉन्स अप्रोप्रिएटली अरेंज इन अ सीरीज, फिगर नंबर 21.5 पे ये दिया हुआ है ठीक है ना, ये आपका वही डायग्राम है ठीक है। द एफरेंट न्यूरॉन्स रिसीव सिग्नल फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन, जब भी कोई भी सिग्नल स्टिमुलस पास होगा तो पास होके वो जाएगा टूवर्ड द CNS, तो ऑलवेज किसके थ्रू जाएगा, सेंसरी ऑर्गन के थ्रू जाएगा ठीक है। एंड ट्रांसमिट द इम्पल्स वाया डॉर्सल नर्व रूट, ये आपका डॉर्सल नर्व रूट है, और कहाँ जा रहा है, CNS, और यहाँ पे CNS कौन सा है, स्पाइनल कॉर्ड है ठीक है। और जब रिस्पॉन्स करेगा तो इफरेंट न्यूरॉन्स की जरूरत होती है, द इफरेंट न्यूरॉन्स देन कैरीज सिग्नल फ्रॉम CNS टू द इफेक्टर, द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, यहाँ पे स्टिमुलस मिल रहा है और यहाँ पे रिस्पॉन्स हो रहा है ठीक है। देखो यहाँ पे स्टिमुलस मिला ना, यहाँ पे स्टिमुलस मिला और फिर रिस्पॉन्स भी करना है उसके अकॉर्डिंग, तो कह रहा है कि द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स दस फॉर्म अ रिफ्लेक्स आर्क ठीक है। ये एक आर्क डेवलप कर रहा है, एक शेप डेवलप कर रहा है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, रिफ्लेक्स आर्क बोल रहे हैं, एज शोन बिलो इन द नी जर्क रिफ्लेक्सेस। ये क्या है, नी, ये नी है ना, नी पार्ट पे हम हैमरिंग कर रहे हैं ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मेंशन किया है क्या, नी जर्क रिफ्लेक्सेस। यू शुड केयरफुली स्टडी फिगर नंबर 21.5 टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ नी जर्क रिफ्लेक्सेस ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना होगा, और डायग्राम को आप अच्छे से लर्न करेंगे। और ये जो रूट है डॉर्सल है, तो ये जो रूट है ये क्या है, कैसा है, वेंट्रल रूट है ठीक है। सारे पार्ट को समझिए, और जो एफरेंट और इफरेंट के बीच जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको आप क्या बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन बोलते हैं ठीक है। और ये जो डार्क एरिया दिख रहा है ये ग्रे मैटर है, और ग्रे मैटर में आपको बता दूं कि क्या होता है, यहाँ पे होता है ग्रुप ऑफ साइटॉन होता है, क्या होता है, ग्रुप ऑफ साइटॉन। और ये जो वाइट मैटर होता है यहाँ पे माइलिनेटेड एक्सॉन्स होंगे, क्या होंगे, माइलिनेटेड एक्सॉन्स। जब भी माइलिन शीथ कहीं भी आ जाएगा वहाँ पे कलर वाइट हो जाएगा, और जब माइलिन शीथ नहीं होती है तो वो एरिया जो होता है वो ग्रे अपियरेंस का होता है ठीक है। तो ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, इसको अच्छे से लर्न करेंगे। अब इसके बाद से हम क्लासिफाई करेंगे रिफ्लेक्स एक्शन को ठीक है। रिफ्लेक्स एक्शन को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो दो पार्ट होता है, फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है क्रेनियल, क्रेनियल रिफ्लेक्स, क्या होता है, क्रेनियल रिफ्लेक्स ठीक है। सेकेंड जो पार्ट होता है वो क्या होता है,
स्पाइनल रिफ्लेक्स, क्या होता है स्पाइनल रिफ्लेक्स। क्रेनियल रिफ्लेक्स के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। क्रेनियल रिफ्लेक्स इट इज कंप्लीटेड बाय ब्रेन, ठीक है। जब क्रेनियल वर्ड आ गया दैट मीन्स कि इसमें ब्रेन तो आना ही आना है, और ये किसके थ्रू कंप्लीट होगा, कंप्लीटेड बाय स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट होगा आपका। देन सेकेंड पॉइंट, यहां पे सेकेंड पॉइंट में आपको बताना है अर्जेंसी, अर्जेंसी नॉट रिक्वायर्ड, मतलब यहां पे प्रोसेस कैसा होगा, स्लो होगा, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी फूड खाते हैं, कोई भी आप खाने वाली चीज को टेस्ट करते हैं जब आप, तो उसका टेस्ट जो है वो जब हम हमारे टंग पे रिसेप्टर्स रिसीव कर लेते हैं तो स्लोली स्लोली क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग सलाइवा का प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ पे ब्रेन जो है आराम से इस टेस्ट को फील करता है और उसके अकॉर्डिंग स्लोली स्लोली सलाइवा का प्रोडक्शन करता है। बट स्पाइनल रिफ्लेक्सेस में ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो भी वर्क होगा वो अर्जेंट वाला होगा, कैसा होगा अर्जेंट, ठीक है। तो अर्जेंसी यहाँ पे क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, अर्जेंसी रिक्वायर्ड होगा, और दैट्स वाई ये क्या होगा, दिस इज फास्ट, ठीक है। ये कैसा होगा, फास्ट होगा, और ये कैसा होगा, स्लो होगा, ठीक है। अब इसके बाद से हम देखते हैं टाइप्स, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस, ठीक है। मतलब प्रीवियस एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे भी रिफ्लेक्स एक्शन को क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। इसमें फर्स्ट आपका क्या है, कंडीशनल है, क्या है, कंडीशनल रिफ्लेक्स, ठीक है। और जो सेकंड होता है वो होता है अनकंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। जो कंडीशनल होता है इसमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। ट्रेनिंग लेने के बाद ही ये रिफ्लेक्स होता है, ठीक है ना। जैसे कि साइकिलिंग आप करते हैं, ठीक है, तो साइकिलिंग में जब आप साइकिल पे कभी बैठ जाते हैं तो अपने आप आपके जो पैर होते हैं, ठीक है, मतलब फुट होते हैं, वो अपने आप चलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि आपने पहले क्या किया है, पहले ट्रेनिंग लिया है, और ट्रेनिंग लिया है देन उसके बाद से अपने आप वो सारी चीज़ें होने लगती हैं, ठीक है। और अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस जो होता है इसमें ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, प्रीवियस किसी भी एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कि कफिंग, ठीक है, कफिंग, जैसे कफिंग हो गया आपका, यानिंग, ठीक है, यानिंग हो गया, स्नीजिंग, ठीक है, तो ये अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल हम क्या लिखेंगे, साइकिलिंग, साइकिलिंग जो होता है ये आपका कंडीशनल रिफ्लेक्सेस है। इवन स्विमिंग, जैसे आप पानी में कूदते हैं, जंप करते हैं, तो स्विमिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, वैसे ही बाइकिंग, ठीक है। तो दीज आर द एग्जांपल ऑल, ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ कंडीशनल रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो रिफ्लेक्स एक्शन का पैकेज है ये आपका कंप्लीट हो गया, आप अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। अब इसके बाद से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, सेंसरी रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, ठीक है। तब तक आपको वेट करना होगा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके, बाय बाय।